मुंबई शहर सपनों का नहीं हादसों का शहर। कल रात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स के रेलवे फुटओवर ब्रिज पर होने वाले हादसे ने इस बात को एक बार फिर से साबित किया है। पिछले दो वर्षों में मुंबई शहर में अनेक हादसे हुए, चाहे रेलवे फुटओवर ब्रिज का हादसा हो, या फिर इससे पहले अल्फिस्टन रोड का हादसा हो रेलवे ब्रिज का, या अंधेरी ब्रिज का हादसा हो, या इंदू मिल में आग लगने का हादसा हो, कुर्ला में आग लगने का हादसा हो, जोगेश्वरी में आग लगने का हादसा हो। ये सारे हादसे एक के बाद एक पिछले दो सालों में होते चले गए, जिसमें सैकड़ों मुंबईकरों की जान गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मुंबई महानगर पालिका इस देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ महानगर पालिका है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप यकीन नहीं करेंगे, भारत के 11 राज्यों का जितना बजट नहीं है उतना बजट सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। बल्कि इससे बढ़कर मैं कहूं कि बहुत सारे विश्व में ऐसे मुल्क है, जैसे दुबई है, कतर है, कुवैत है, इन मुल्कों का जितना बजट नहीं है उतना सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है। 40,000 करोड़ का बजट, जो एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसको दावा हासिल है, जिसके पास इतने साधन है, इतनी निधि है, फिर भी इतनी लापरवाही क्यों होती है? इसकी जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है जो इंतजामिया बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके सबसे बड़े जिम्मेदार है। और इस इंतजामिया पर, इस एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाम कसने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो पिछले 20 सालों से सत्ता में बैठे हुए मुंबई महानगर पालिका में लाचार सेना और भाजप इसके सबसे बड़े जिम्मेदार है। अनेक हादसे होते चले गए, सैकड़ों लोग मरते चले गए, लेकिन अब भी इनकी आंखें न खुली, इनकी नींद न जगी। बहुत अफसोस की बात है। मुख्यमंत्री ने पिछले हादसे के बाद भी कहा था कि ये चीज, किस तरीके से अब कोई भी गुनाह होगा तो जो भी अधिकारी होगा उस पर मौत का गुनाह दाखिल किया जाएगा, उसके ऊपर केस रजिस्टर किया जाएगा। हादसे होते चले गए, मुख्यमंत्री बयान देते चले गए, आज तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुंबई महानगर पालिका का ट्रस्टी होने के नाते, इस मुंबई शहर का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी दो लोगों पर आयद होती है। सबसे पहले मुंबई के मनपा आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर, और दूसरे मुंबई के मेयर। ये दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए एक ट्रस्टी होने के नाते मेरा ये मांग है, मेरा ये मुतालबा है कि इन दोनों को फौरन अपनी जगह से राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, कि ये अखलाकी हद, नैतिक हद जो है, हक जो है, वो खो चुके हैं। मुंबईकरों का एतमाद खो